हेलो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी दिए गए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो पार्ट से, ये फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर ए और बी मैट्रिसेस को ऐड करने पे ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन हमें b माइनस सी फाइंड आउट करना है, तो हम b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे c वाले एलिमेंट से, तो b माइनस सी करने पे ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के, तो इसको हम लोग मान लेते हैं LHS और इसको मान लेंगे RHS। सबसे पहले LHS को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगा और ऊपर हमने b माइनस सी को फाइंड आउट किया था, तो उसकी वैल्यूज भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, तो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से हम RHS को भी फाइंड कर देंगे। यहाँ पर a प्लस बी हमने ऊपर कर चुका है, तो उसकी वैल्यूज लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे सी वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, तो इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा ये वाला फाइनल मैट्रिक्स। हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल है RHS के, तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल है a प्लस बी माइनस सी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट हो चुका है।